जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सो वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। 5-6 दिन के बाद, एक महीना धूप नहीं निकली थी, अब 2 दिन से धूप निकल रही है अच्छी खासी। सोचा ऊपर चलते हैं, धूप सेकने थोड़ी सी। इतने सारे कपड़े धुल रखे हैं आज तो। ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं अभी। ये फ्रूट है आपके सामने, ये मम्मी ने काट के रखे थे, मैं अभी नहाया था। तो अब अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे के करीब। आज अच्छी धूप निकली है, मैंने वेदर ऐप में चेक किया है, 2 दिन बारिश दिखा रहा है, यानी कि कल वेडनेसडे और थर्सडे को 2 दिन बारिश दिखा रहा है, उसके बाद फिर से भाई बादल दिखा रहा है। बाकी पता नहीं होती है या नहीं। ऊपर बर्फ़ पड़ी थी मनाली में, एक दिन बर्फ़ पड़ी थी, फिर उसके बाद से दोबारा सूखा पड़ गया, अच्छी बर्फ़ पड़ नहीं रही अभी। और आप सुनाओ, आप सबके क्या हाल चाल है, किस किस ने मेरे को मिस किया? जिस जिसने मेरे को मिस किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया यार। घर पे होता है ना बंदा तो कोई कंटेंट मिलता नहीं है बनाने को। मैं काफ़ी टाइम से डेली व्लॉग कर रहा हूँ, आप सबको पता ही है, और बहुत बारी मैंने घर पर रह के व्लॉग बनाए भी हैं, डाले भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पटारा ख़त्म हो जाता है भी, अब क्या दिखाएं डेली व्लॉग में, समझ नहीं आता। तो मैंने कहा चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। यार ये मुझे कुछ लोगों का समझ नहीं आता, या तो जिम जाओ मत, या तो जिम जाके ये बात बंद बोलो कि अब से तो बाहर का खाना बंद, अब से डाइट शुरू, अब करना है पेट अंदर। 4 दिन बाहर का खाना छोड़ेंगे, बर्गर नहीं खाएंगे, गोलगप्पे नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, घर की रोटी खा लेंगे। 5वें दिन यार दिल कर रहा है यार गोलगप्पे खाने का, यार बर्गर खाने का दिल कर रहा है यार, यार चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर 4 दिन के बाद वही जाके गोलगप्पे खा लेंगे, वही बर्गर खा लेंगे, वही 5-6 दिन के बाद दोबारा वही आइसक्रीम खा लेंगे। कहाँ गई डाइट तुम्हारी, कहाँ गई सोच जो तुमने सोचा था, जिम जाएंगे फॉलो करेंगे डाइट। बेटा ऐसे दिमाग में कुछ सोचने से कुछ होता नहीं है, उस पर अमल करोगे तो ही कुछ होगा। तुम सबका वही काम है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन फॉलो करोगे उसके बाद फिर से नाप शनाप खाना शुरू कर दोगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं आपसे दारू पीनी बंद कर देंगे, आपसे ड्रिंक करनी बंद कर देंगे, आपसे नहीं पियेंगे। वही सैटरडे संडे आएगा फिर दोस्त बोलेंगे आ जा बैठते हैं, बैठ जाएंगे, फिर वो जो प्रण लिया होता है ना वो सब मिट्टी मिल जाता है। क्या होगा तुम सबका, ऐसा नहीं होता भाई जिम विम करना। छोटे रसगुल्ले, कचौड़ी भी है क्या? दे दो। कितने के हैं? 20 रुपए के? 20 के कितने आएंगे? 20 के दे दो फिर। या एक काम करो, मम्मी खाओगे आप छोटे वाले रसगुल्ले? दे दो 20 रुपए के, दे दो 20 रुपए के। अभी आ रहा हूँ नीचे। इतने दिनों के बाद मिले हैं, वही चीज जो हम बचपन में खाते थे हमेशा, छोटे छोटे रसगुल्ले होते थे ना। फटाफट लेके मिल गए आज के रसगुल्ले, वाओ। ये लो गुल्ले। बचपन में खाते थे ना मम्मी, इससे खा ले। मैं ऊपर देखो है। बना ले भी इतनी सारी बकरियां, वीडियो बंद कर रही है देखो। वो देखो हमने रखा था जो वही खा रही है, वो देखो। सारी टूट पड़ी। वो भी खा रही है। मैं ओए मेरी फॉर्च्यूनर कोई नहीं छेड़ेगा। पूरा सारा खाली करके वो 1 मिनट खाली करके सारा, भूख लग रही थी उसको। मैं उसने भी रखा हुआ बहुत सारा देखो। मैं वही बंदा है जो बचपन में आता था है ना, ये बंदा वही है भाई जो बकरी चला रहे हैं। ये बंदा वही है जो बचपन में आता था, जिसको हम बोलते थे कि ये ने सारे पेड़ छोटे कर दे काट के, हमारे घर धूप नहीं आती। लेकिन अब पत्ते झड़ चुके हैं, धूप ऊपर आते हैं तो हम धूप सेकने में ऊपर आ जाते हैं, नीचे नहीं बैठते। अगले दिन बहुत सारी भेड़ी आई थी मम्मी, हमें पता है आपको, वो देखो पेड़ तोड़ा ना, देखो वो बकरियों के लिए पेड़ तोड़ता था, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई ऊपर से तोड़ ले, हमारा भी काम हो जाएगा तेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन अब वो तोड़ता ही नहीं है गाइस। तो अब हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न। मेरा दिल था खाने का, मैंने कहा मम्मी बना दो, तो हम बना रहे हैं ये। डालो उसको अच्छे से। ये वाला फ्लेवर अलग है मम्मी, ये वाला फ्लेवर अलग है, देखो पता नहीं बाकी मेरे को, वही ठीक है। इस पर
चलेगा, 3 मिनट में बन जाएंगे, 3 मिनट वेट कर लेते हैं पॉपकॉर्न के लिए। भाई मिठा ठा की आवाजें आनी शुरू हो गई है, वो उड़ रहे हैं बेचारे को, तड़पा रहे, तड़पा के मार रहे हो मम्मी। तो यहाँ हमारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो चुके हैं पूरे 1 मिनट के अंदर अंदर। पैकेट में लिखा है 3 मिनट में बनेंगे, ये तो 1 मिनट बन गया। यही आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो दोपहर के 2:45 हो गए हैं, अब जा रहे हैं भाभी को लेने के लिए स्कूल से, टाइम हो गया छुट्टी का। कैसे खुल गया, कैसा था दिन? बढ़िया। इतने दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ, स्कूल आ रहा हूँ लेने के लिए। नहीं बढ़िया था। किसी बच्चे ने कुछ कहा? नहीं। किसी बच्चे को आपने कुछ कहा? ना, मैंने भी। ठीक है। एक गाड़ी में अभी फोन लेके आया था। हाँ। चला रहा था क्या? वो एथलेटिक मीट थी ना, आज तो फोन लेके आए थे बच्चे। अच्छा, नहीं फोन लेके जाना, चलो कुछ लोग लेके आते हैं जो शाने होते हैं बच्चे आजकल के। अभी एक बार गाड़ी खड़ी थी, एक बंदा एक डिजायर कार में 1 2 3 4 5 6 बच्चे लेके गया है। टैक्सी भी नहीं थी, पता नहीं उसके 6 बच्चे होंगे क्या, आसपास के सारे ले आता आएगा, गली वाले ले आता वो मेरे ख्याल से। बाकी पता नहीं, मैं हैरान हो रहा था, मैं कि ये क्या चक्कर है भाई, सारे बंदों ने बच्चों ने बैग डिक्की में डाला और फिर पीछे बैठ के दो आगे बैठ गए। मैं कमाल है, इतने बेटे बेचारे के। गाइस तो टाइम हो गया मंदिर आने का, तो मैं रोटी लाया था घर से, मैं इसको खिला दूंगा। ऐसे कर रहे थे, एक बार आप भी खिला देख रहे हो, रोटी पुण्य मिलेगा आपको। भाई जिम से वर्कआउट करके घर पर जा रहा हूँ, इतना कोहरा हो गया एकदम से भैया, कुछ दिख नहीं रहा। अब ये क्रेटा जा रही है सामने, एकदम से गायब हो जाएगी, देखना वो गायब होती जा रही है। और ये हो गई, अभी तो सिर्फ 8 बजे है रात को, इतना कोहरा हो गया है। जिस दिन धूप निकलती है ना, उस दिन रात को ये धुंध हो जाती है सारी, ये तो पक्का ही पक्का है, लिख के ले लो। तो भाई आज मंगलवार है, आप सभी को पता है कि मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, तो अभी वहीं जा रहा हूँ। रात के 9:30 बज चुके हैं और एकदम से धुंध हो चुकी है बहुत, आपके सामने देख लो। ये तो गलियों में थोड़ी कम होती है धुंध, वरना अभी मैं जब से जिम से घर आ रहा था आपको दिखाया था कितनी धुंध रखी थी। तो मंदिर से बाहर आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ घर पे, प्रसाद ले लिए, आज का दिन सफल हो गया अपना। घर जाते वक्त धुंध देख लो कितनी हो गई, वो सामने कार आ रही है देख लो, पास आएगी तो ही दिखेगी। पता नहीं कैमरा जस्टिफिकेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा धुंध है भाई सच में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपको पता है जब से मेरे हाथ में फ़ोन आया ना, मेरा 14 प्रो मैक्स, तब से मुझे ये मेरा XX फ़ोन जो है बहुत छोटा लगने लगा है। अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, व्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है पता नहीं क्या ही पकड़ा हुआ है मैंने, क्योंकि वो जो साइज़ में ना बहुत बड़ा है, देखो मेरे जेब में ये साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे लगता है भाई बहुत बड़ी चीज़ पकड़ी हुई है। तभी इसको पकड़ता हूँ तो ऐसा लगता है यार क्या छोटा सा फ़ोन पकड़ा हुआ मैंने। एनीवे तो मैंने को बताया था ना कल कि वेदर ऐप में चेक किया था, आज बारिश लिखी हुई थी लेकिन बारिश आई नहीं है। आज अभी सुबह उठा था तो धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से नहा आते हैं, नहाने के बाद आराम से धूप में बैठते हैं। और जब मैं नहाया, नहाने के बाद बाहर आया और देखा ये बादल छाए हुए हैं, धूप चलेगी और बादल आ गए सारे, बारिश पता नहीं आएगी नहीं आएगी, नेट पे दिखा तो रहा है बारिश है बाकी पता नहीं। ये देखो झंडे अभी तक हमने लगा रखे हैं श्री राम जी के नव मंदिर में विराजमान होने की खुशी में, लोगों ने लगा रखे हैं, एक वो रहा और कुछ यहाँ पे भी हैं देख लो। तो भाई आज बहुत दिनों के बाद हम ये गेम खेलते हैं, अभी इसको क्या हो गया तो डला रहे। आपको पता ही है हम यहाँ से ये चिमटियाँ उठा के 4-5 और इस डिब्बे में डालते हैं, गेम खेलते हैं। मैं कहते हैं 1 2 3 4 एक उठा लेता हूँ और, ठीक है हम देखते हैं जाती है या नहीं। मैं दूर आ गया, ठीक है जूम करता हूँ, ये रख दी मैंने सारी, पहली डालते हैं ठीक है, क्या लगता जाएगी? ओ भाई यार दूसरी की बारी, ओ शिट तीसरी की बारी, ओहो आज दिन खराब लगता है ये, शिट लास्ट 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 लास्ट, ओ चल दो ट्राई करते हैं फटाफट, ये वाली ठीक है ये, ओए गई क्या बात है, ये लास्ट ठीक है,
ये चक वीरे चक। आज दिन खराब है भी और नहीं भी। 5 पहली डाली कोई नहीं गई, दोबारा 2 डाली वो चली गई, मतलब कि आज हमारा दिन का 20% जो है अच्छा है, बाकी 80% बेकार है। चलो ठीक है, अगर ऐसे ही मैं अपने लक को प्रिडिक्ट करने लग गया फिर तो जोशियों को जरूरत ही नहीं है फिर तो राशिफल सुनने की जरूरत ही नहीं है, मुझे खुद पता लग जाएगा ऐसे चिमटी डाल के मेरा लक आज कितने परसेंट मेरे साथ है। वाओ, जिन जिन लोगों को नहीं पता कि स्नोफॉल हमें कहां पर मिलेगी और जो जो लोग स्नोफॉल में जाकर आनंद उठाना चाहते हैं उनको हम बता देते हैं। उनकी जानकारी के लिए उड़ती उड़ती खबर हमारे पास आती रहती है। ये उड़ती उड़ती खबर आज की है, ताज़ा खबर है, तो सुन लो। नारकंडा में, सोलांग वैली में, सांगला वैली में जो कि किन्नौर में है, और बीर बिलिंग स्पेशली धर्मकोट और खजियार जो कि डलहौजी के पास है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है, अच्छी खासी स्नोफॉल पड़ी है। 3 से 4 दिन का प्रेडिक्शन किया था वहाँ पे कि स्नोफॉल होगी, जो कि हो चुकी है। अब अगर 3 दिन लगातार और स्नोफॉल होती है तो वो स्नोफॉल अच्छी तगड़ी मानी जाएगी। आप लोग अगर हफ्ते के बाद भी जाओगे आपको स्नोफॉल दिख जाएगी। तो अगर जो लोग जाना चाहते हैं इन जगहों पे जो मैंने बताया, नारकंडा, बीर बिलिंग, शिमला में बर्फ़ नहीं पड़ी अभी, नारकंडा में बर्फ़ पड़ी है, शिमला के 50 किलोमीटर आगे, तो वहाँ चले जाना बर्फ़ देखने के लिए। तो जो लोग बर्फ़ में जाकर आनंद उठाना चाहते हैं जाओ, जाकर के आनंद ले लो। जानकारी मैंने आपको दे दी है, ये किसी किसी को भी पता है क्योंकि जो लोग वहाँ पर हैं उनको पता होती है। मेरे खबरी वहाँ पर छोड़ रखे हैं मैंने, तो मुझे पता लगता रहता है। तो जिनको जाना है जाओ, बर्फ़ मिल जाएगी अच्छी खासी। 3 दिन का और प्रेडिक्शन किया हुआ है कि स्नोफॉल होगा, क्योंकि यहाँ भी मौसम ख़राब है, वहाँ भी मौसम ख़राब है। अब ये मैं सोचना कि मैं इसके भी यहाँ पे कह रहा हूँ, एक्चुअल में वहाँ पे मौसम ख़राब है भाई। तो 3 दिन का प्रेडिक्शन किया था कि वहाँ पे स्नोफॉल होगा, जो कि हुआ है, कल भी हुआ आज भी हुआ। तो आप लोग जाओ अगर आपको स्नोफॉल देखनी है, तो चांसेस हैं कि स्नोफॉल दोबारा होगा आज भी, कल भी और शायद परसों भी। अगर स्नोफॉल हुआ तो ये स्नोफॉल हफ्ते तक टिकेगा, धूप में पिघलेगा नहीं। और जो लोग जाना चाहते हो फटाफट से अभी चले जाओ, स्नोफॉल का आनंद उठा लो, वरना हफ्ते के बाद तो पिघली हुई स्नो से क्या मज़ा आएगा।